स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप। फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव और सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा के बारे में। तो संतोष यादव आपको मालूम है दो बार एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनियर। सी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन लेस देन ए ईयर एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नोटंग फेस। सी फर्स्ट क्लाइंब द पीक इन मे 1992 एंड देन डिड इट अगेन इन मे 1993। तो देखिए, ये दो बार माउंटेन पे एवरेस्ट पे चढ़ाई इन्होंने किया। सी वॉज बॉर्न ऑन 10th October 1967 इन जोनी यास विलेज, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में एक जिला है रेवाड़ी, वहां पे जन्म हुआ। एज द सिक्स चाइल्ड इन ए फैमिली विथ फाइव सन्स, इनके परिवार में इनके पांच भाई थे, ये सबसे लास्ट में जन्मी। सी हैड बीन एन एलुमना ऑफ महारानी कॉलेज जयपुर, इनकी पढ़ाई जयपुर से हुई। लिविंग इन कस्तूरबा हॉस्टल, वहां पे कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। इसके बाद इन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया ताकि ये माउंटेन पे क्लाइंब कर सकें। वर्तमान में ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में काम कर रही हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला सन 2000 में। तो इनके बारे में, ये अपने बारे में लिखती हैं कि ये हरियाणा के छोटे से गांव में रहती थीं। इनके गांव में एक बार एक संत आए, महात्मा आए, तो इनकी मां को आशीर्वाद दिए कि तुमको बेटा जन्म लेगा, तुम्हारे गर्भ से बेटा होगा। इतना सुनकर दादी बहुत नाराज हो गई। वो साधु को समझ नहीं पाया कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने तो कहा बेटा हो। दादी ने कहा नहीं, हमें बेटा नहीं, हमें पोती चाहिए। वो साधु बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा फील किया। फिलहाल इनका जन्म हुआ, घर में खुशियां मनाई गईं और इनका नाम संतोष रखा गया। संतोष यानी कि अब हमें संतोष हो गया कि हमें एक बच्ची पैदा हो गई, इसीलिए इनका नाम संतोष रखा गया। बचपन में ये समाज के बने हुए नियमों का विरोध करती थी। हरियाणा में आपको मालूम है लड़कों को पहले ज्यादा महत्व दिया जाता था, लड़कियों को महत्व कम देते थे। संतोष यादव ने इसका विरोध किया और अपने पिता से कही कि मैं हरियाणा के अलावा दिल्ली में पढ़ना चाहती हूं। घर में अजीब स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल पिता ने इनकी बात को मान लिया और जयपुर में इनका एडमिशन कर दिया गया। जयपुर में जिस हॉस्टल में रहती थी, कस्तूरबा हॉस्टल, वहां से अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती थी और विंडो से अरावली पर्वतों को देख करके संतोष यादव हमेशा ये सोचा करती थी कि एक दिन मैं भी पहाड़ों पर चढ़ूंगी और देश का नाम ऊंचा करूंगी। तो संतोष अब एक क्लाइंबर बनना चाहती थी। सी सेव्ड सम मनी एंड इनरोल्ड हरसेल्फ इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग। इन्होंने पैसा जुटाना स्टार्ट किया और उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। इसीलिए ये घर अपने रेवाड़ी हरियाणा नहीं जा पाई, ये डायरेक्ट उत्तरकाशी गई और एक लेटर लिखा इन्होंने अपने पापा को कि पापा हमें माफ कीजिए, मैं आपसे मिलने हरियाणा नहीं आ पा रही हूं, बल्कि मैं उत्तरकाशी जा रही हूं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। संतोष यादव यंगेस्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे विजय पाई थी।
ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट एक्सपीडिशन संतोष साहेब क्लाइंबर डाइंग ऑन साउथ कोल सी ट्राइड टू सेव हिम बट सी कुड नॉट बट सी वॉज एबल टू सेव अनदर क्लाइंबर नेम्ड मोहन सिंह सी शेयर्ड हर प्रेसियस ऑक्सीजन विथ हिम। रास्ते में उनके एक साथी की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से और दूसरे साथी मोहन सिंह की भी मौत होने वाली थी, लेकिन संतोष यादव ने अपने ऑक्सीजन में से मोहन सिंह को ऑक्सीजन दिया अपने लाइफ पे रिस्क लेके और मोहन सिंह को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि संतोष यादव के अंदर वो क्वालिटी थी जिसके वजह से ये माउंट एवरेस्ट पे दो बार विजयी हुई और हरियाणा जैसे राज्य से होके जहां महिलाओं के लिए पहले अच्छे अवसर नहीं थे, ये 1992 में ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना देख ली। दूसरी स्टोरी है मारिया शारापोवा का। ये दुनिया की बहुत प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हुई हैं। मारिया शारापोवा बॉर्न ऑन अप्रैल 1997 इज ए रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हु ऑन अक्टूबर 7, 2013 इज रैंक वर्ल्ड नंबर 3। अक्टूबर 7, 2013 को दुनिया की तीसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी बनी। ये रशियन थी, रशिया की हैं। रशिया छोड़ करके मारिया शारापोवा यूएसए आ गई क्योंकि ये गरीब परिवार से थी। सी वॉज बॉर्न इन साइबेरिया। आप जानते हैं साइबेरिया रशिया में है, दुनिया का सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। ये टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी, इसलिए इनके पिता ने निर्णय किया कि इनको यूएसए भेजा जाए। यूएसए में जाने के बाद ये रात्रि 8 बजे सोने के लिए बेड पे चली जाती थी। अदर टेनिस प्लेयर केम टू द रूम एट 11 PM और जो और टेनिस खिलाड़ी थे वो 11 बजे रात को आते थे। दे वुड वेक हर अप एंड ऑर्डर्ड हर टू क्लीन एंड टाइडी द रूम। वे मारिया को आदेश देते थे कि तुम घर को टाइडी रखो, स्वच्छ रखो। बट सी डिड नॉट कंप्लेन। लेकिन मारिया शारापोवा को कोई कंप्लेन नहीं किया उन्होंने कि क्यों मुझसे ये कहा जाता है कि तुम सारा घर का काम करो या हॉस्टल का काम करो। हर राइज वॉज सडन एंड रैपिड। ये टेनिस की दुनिया में बहुत तेजी से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती गई। इट टुक हर ओनली 4 years एज ए प्रोफेशनल टू रीच द टॉप पोजिशन। इन 2004 सी ओन द लेडी सिंगल क्राउन एट विम्बलडन। आपको मालूम है इंग्लैंड में विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता होती है, उसको इन्होंने जीत लिया 2004 में। इनकी जो मुख्य मुख्य हॉबीज हैं, लाइक मेनी टीनेजर्स सी हैज सेंसेशनल हॉबीज। सी लाइक टू वियर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन। सी लाइक्स फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग। सी रीड्स द डिटेक्टिव नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। सी लव्स टू ईट पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज। तो इनके जो हॉबीज हैं वो आप ही लोगों जैसे हैं। मनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, टेनिस इज ए बिजनेस एंड सी गेन्स फैबुलस वेल्थ। टेनिस खेल के इनको काफी धन भी मिला। मारिया शारापोवा इज ए रशियन। सी लिव्स इन अमेरिका एंड स्पीक्स विथ ए क्लियर अमेरिकन एसेंट बट सी रिमेन्स रशियन एट हर्ट। सी स्टिल रिटेन्स हर रशियन सिटीजनशिप। इफ सी गेट्स ए चांस टू प्ले एट ओलंपिक सी विल प्ले फॉर रशिया। हालांकि ये रशिया से दूर चली गई, अमेरिका चली गई, लेकिन रशिया के प्रति इनके दिल में आज भी उतनी ही प्यार है, उतनी ही चाहत है।
और भविष्य में यदि कभी मौका मिलता है ओलंपिक में खेलने का तो ये रशिया की तरफ यानी रूस की तरफ से ही खेलेंगी।